तो गाइस एक पीसी तो मेरा ये रहा, लेकिन आप सोच रहे हो दूसरा पीसी क्यों बनाया। तो देखो गाइस इसके लिए बनाया था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छा हूँ। तो गाइस आज मैं कुछ सोच रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मेरा एक सेटअप ये है, ठीक है। इस सेटअप में ये वाला जो पीसी है ना, इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है इस दूसरी वाली टेबल के ऊपर, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक और सेटअप बनाऊ और उसको ना यहाँ पे लगाऊ। उसके लिए देखो मेरे पास ना एक पीसी तो है ही है, ठीक है। एक डिस्प्ले पड़ी है वो ना खराब हो रखी है, तो उसको हम जाएंगे अभी ठीक करवाने के लिए। आई होप वो ठीक हो जाए तो काफी सही रहेगा। और ये वाली टेबल खाली हो जाएगी, इस पीसी को मैं एक स्टूल पर रख दूंगा लकड़ी के, तो क्या होगा ना कि बैकअप पीसी भी बन जाएगा, इससे काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। और पूरा रूम थोड़ा फैला फूला सा, इसको आज साफ करते हैं और दूसरे पीसी को सेटअप करते हैं, जिससे कि हमारा ना मतलब बैकअप पीसी बन जाएगा, तो कभी भी कॉन्टेंट कोई छूटेगा नहीं अगर कोई दिक्कत हुई तो। क्योंकि एक पीसी गया तो दूसरा पीसी गया तो पहला पीसी। एक चीज और देखो, मेरे को ना एक SSD मिल चुकी है WDW की 1 TB की। मेरी एक पुरानी SSD थी, सॉरी NVMe SSD थी, वो खराब हो रखी थी। तो फिर मैंने ना इसको दे रखा था भैया को कि ठीक कर दें, तो फिर मेरे को नई मिल गई, ठीक है, थोड़े से पैसे दे के, तो मैंने नई ले ली। इसको मैं दूसरे पीसी में लगा लूंगा तो मस्त एकदम काम हो जाएगा। तो चलो अभी फिलहाल चलते हैं मॉनिटर को ठीक करवाते, दिखाते हो आपको मॉनिटर कैसा पड़ा है वो। तो गाइस देख सकते हो ये वो मॉनिटर जिसमें थोड़ी झिलमिल सी स्क्रीन आती है, तो इसको ठीक करवाना है। तो दोस्तों अब मैं फिर से गाड़ी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो चलो गाड़ी को चलाते हैं। गाइस देख तो गाड़ी उठा ली। जो मॉनिटर हम गए थे वो कह रहे थे कि अब इसमें कोई दिक्कत आ रही है पैनल की, कोई कह रहा मदरबोर्ड की, तो देखते हैं उसको अगर ठीक हो जाए तो सही है। अभी बाकी तो जो भी काम वाले थे वो कह रहे थे कि क्या कहते हैं अभी इनकी छुट्टी आज संडे है, पर देखते हैं अगर कोई दिख गया तो ठीक है, वरना फिर कल करवा लेंगे रिपेयर। बाकी देख सकते हो गाइस गाड़ी चला रहा हूँ मस्त एकदम, पहली बार ही मतलब दूसरी तीसरी बार है, इस बार तो मेरा थोड़ा थोड़ा आ गया चलाना। तो गाइज मॉनिटर का काम तो बना नहीं क्योंकि आज काफी ज्यादा छुट्टी थी, लोगों की संडे था। बाकी हम पीट आ चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हो, थोड़े फल फ्रूट खरीदने के लिए और कड़ी राजमा चावल पैक करने के लिए आए हुए हैं। तो चलो देखते हैं क्या रहता है सीन। जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट आ चुके हैं, चारों तरफ मार्केट है। तो गाइज मैं फाइनली घर पे आ गया, अब कंप्यूटर के सेटअप का काम करते हैं। मॉनिटर तो ठीक नहीं हुआ पर कोई बात नहीं, इसको कल वल दिखा देंगे। बाकी मेरे पे दूसरा मॉनिटर तो है आप देख सकते हो, और दूसरा पीसी भी है ना, ये देखो यहाँ रखा हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको ना इस वाले कोने पे एडजस्ट कर देते हैं, तो ये सब साफ करते हैं उसको लगाते हैं। तो मैंने टाइम लैप्स भी सेट कर दिया ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हो फील आ रही एकदम प्रोफेशनल वाली। तो दोस्तों ये देखो ब्लोअर लेके आया था मैं, लेकिन इसकी नोज ही नहीं दिख रही, पता नहीं काम करेगा नहीं, वैसे कर तो जाना चाहिए। और कंप्यूटर देखो काफी ज्यादा धूल धूल हो रखा है, तो मैं सोच रहा हूँ ना इसको एक बार ना ब्लोअर से मार देता हूँ, इसको और दूसरे वाले को। देखो काफी धूल धूल हो रखी है, देखो ग्राफिक कार्ड में दिख रही होगी, पता नहीं चूहों ने क्या कर रखा है, छोड़ो दिखाना चाहिए। और वहाँ कैमरा सेटअप हो रखा है और दूसरे पीसी को भी साफ करना है। तो चलो ब्लोअर मार के इनको धूल साफ करते हैं पहले इनकी। अरे गाइस टेबल किसका आ रहा था, लेकिन अब बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, ये क्या कर दिया मैंने, छेद हो गया। डर लग रहा है, अब क्या होगा, डर गया भाई यार। बहुत मेहनत से लगवाया था ये सब, टूट गया यार पहली खरोच थी, एक खरोच नहीं आने दी थी मैंने, मेरे हाथों से ही खरोच लग गई। पर कोई बात नहीं, शुभ काम की छोटी चोट है। तो चाय भी आ चुकी है, लेकिन ये तभी पियेंगे जब हमारा काम हो जाएगा। और देख सकते हो दूसरे कंप्यूटर की भी बारी आ चुकी है, स्विच ऑन है, घूम घूम चेक करते हैं। थोड़ा सा नई वाली NVMe निकाल के लगाते हैं जो आई थी। तो जैसे कि आप देख सकते हो
अभी थोड़ा फैला फैला सा हो रखा है, लेकिन यहाँ पे नीचे देख रहे होगे ये रही NVMe निकाल लिया। एक तो मेरी ये लगी हुई है 2 TB की XPG की खतरनाक वाली, ये तो मेन पीसी में ही लगी हुई है, मतलब मेन पीसी दोनों ही है। और ये देखो ये रही छोटी सी, ये बहुत ही महंगी आती है यार इतनी सी भी छोटी सी चिप। अब इसको हम उसमें लगा देंगे, दूसरे पीसी में काम हो जाएगा अपना। गाइस कुछ इतना हो चुका है काम कि ये देखो ये पीसी मैंने यहाँ रख दिया और ये सिंगल मॉनिटर यहाँ पे रहेगा और दूसरा वाला पीसी वो रहा। और इसका जो स्टैंड है ना नया नया देखो एकदम ब्रांड न्यू, तो चलो इसको खोलते हैं और लगाते हैं यहाँ पे। तो गाइस एक पीसी तो सेटअप हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हो, मस्त है एकदम बढ़िया सा, और दूसरे वाले को भी करता हूँ अभी। चलो दोस्तों देख सकते हो कि ये अपना दूसरा पीसी सेटअप हो चुका है, यहाँ पे मैं स्टेयरिंग भी लगा सकता हूँ मैं और बढ़िया रहेगा। खाना भी आ चुका है कड़ी चावल, और ये अपना मेन पीसी है, ये भी अपना सेटअप हो चुका है, काम हो जाएगा मेरा एक उस मॉनिटर में। बाकी तो थक गया, बाकी धीरे धीरे डेकोरेशन वगैरह करेंगे, और वही है मैं खाना खा लेता हूँ फिर बैठते हैं और वीडियो को बनाता हूँ। चलो तो गाइस देख सकते हो अपना पीसी का सेटअप ऐसा कुछ हो चुका है, एक पीसी ये रहा और यहाँ पे मैं मस्त अपनी वीडियो बना रहा हूँ, और दूसरा पीसी वो रहा, ठीक है उस पर मैं स्टीयरिंग भी लगाऊंगा। तो गाइज ये देखो, तो गाइज एक पीसी तो मेरा ये रहा, लेकिन आप सोचोगे दूसरा पीसी क्यों बनाया, तो देखो गाइज इसके लिए बनाया था। ये देखो ये अपनी चेयर हो गई और यहाँ पे अपना रेसिंग सेटअप फुल सेटअप हो रखा है। अब मैं यहाँ पे आपको मजे से बैठ के दिखाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो अपना देखो बिल्कुल रेडी हो रखा है। देखो जैसे मैं गाड़ी को भगाऊंगा मस्त तरीके से चलेगी। तो गाइज देख सकते हो इसके लिए भगाया था मैं, देखो पैर से स्टेयरिंग कर सकता हूँ और जैसे जैसे मोड़ूंगा ना वैसे वैसे मुड़ेगी गाड़ी। ब्रेक मारे देखो ब्रेक मर गए, और ये देखो रेस दी तो रेस लग गई उस हिसाब से, मतलब काफ़ी सही है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सेटअप है इस हिसाब से। बस इसको प्रैक्टिस करनी है मेरे को, गाड़ी से कुछ भी करके सीखनी है। तो बस यही था सेटअप गाइस, और अब मैं बस वीडियो वगैरह एडिट करूंगा और फिर सो जाऊंगा। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे हम अगली बार अगले बेहतरीन ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।